सरगोधा के इलाके सिल्लावाली में जायदाद हथियाने की लालच ने दोस्ती के शफाफ जज्बे को किया दागदार और जन्म दिया एक लर्जा खेज वारदात को। शहरी इफ्तखार ने अपने दोस्त आसिम के इश्तराक से जमीन खरीदी, लेकिन आसिम की लालच ने किया सब बर्बाद। इफ्तखार को मौत की वादी में पहुंचाकर आसिम का ठिकाना बनी जेल की काल कोठरी। थाना सिल्लावाली में एक रिपोर्ट हुई कि इफ्तखार अहमद खान जो कि 129 नबी का रहशी है वो नहीं मिल रहा। ये एक ब्लाइंड अगवा था, तो जब हमने टेक्निकली इसको एनालाइज किया तो इसमें एक कैरेक्टर जो है ना वो बाघ बरी काम में मिला। इसने बताया कि आसिम प्रिंस मेरा जिसके साथ जो है ना वो तकरीबन एक साल से ताल्लुक है, तो उसने मुझे कहा था कि इफ्तखार अहमद खान से मेरा जो है ना वो सिविल लिटिगेशन चल रही है, मेरे एविडेंसेस उसके मोबाइल में है, तो मैंने वो उसके एविडेंस लेने हैं, तो मुझे उसको कहीं नामालूम जगह पे बुलवा दो तो मैंने वो ले लूंगा। तो हमने आसिम प्रिंस का पीछा करना स्टार्ट किया। आसिम प्रिंस के घर में एक हमें जो है ना वो तहखाना मिला, जिससे इस बात को और तकवीत मिली कि इसने हो सकता है इफ्तखार अहमद खान को जो है ना वो अपने घर में ही रखा हो और टॉर्चर सेल टाइप बनाया हो और उसको टॉर्चर कर रहा हो। आसिम प्रिंस को हमने तलाश किया, तो उसको जब हमने इंटरोगेट करना स्टार्ट किया उसने ये तस्लीम किया कि मेरा उसके साथ सिविल लिटिगेशन और जमीन का तनाजा चल रहा है, वो तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो मैंने जो है ना उसको मार के जो है ना वो एक सेम नाला गंदा है उसमें फेंक दिया, उसके आहिस्ता छोटे छोटे टुकड़े कर दिए।